हेमंत सोरेन सरकार के समय में जो विकास का काम हुआ है, जितना तारीफ किया जाए, चाहे वो कोरोना काल ही क्यों ना हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उस समय से अभी काफी अच्छा काम हुआ है। जनता के बीच रहना चाहते हैं और जनता की जो समस्या, हम नेता अपने आप को नहीं समझते हैं। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका और इस समय सभी राजनीतिक दल अब चुनावी दंगल में कूद चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज साहू हैं। उनसे जानते हैं क्या कुछ खास तैयारी है इस बार इंडिया गठबंधन के तरफ से, या कांग्रेस के नेता है, क्या तैयारी है इस बार, कितना टफ मुकाबला देख पाए। पिछली बार हम लोगों ने रामेश्वर राव जी के साथ में मिलकर के हम लोग यहाँ की जनता को हम लोगों ने वादा किया था कि यहाँ का जो भी समस्या है, जो भी मुख्य समस्या है, उसे दूर करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और हम लोगों ने काफी हद तक उसको सफलता पाई और रामेश्वर राव जी का जो इस उम्र में जो काम करने का एक जज्बा है, जितना तारीफ करे वह कम है। और आप देखिएगा कि यह चुनाव में अगर जनता फिर से मौका देती है कि जो भी थोड़ा बहुत कसर रह गया उसे भी हम लोग दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरीके से झारखंड में कमान हिमंता विश्व शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री है वो, और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संभाला है, क्या लगता है, कैसे देख पा रहे हैं जनता के बीच जिस तरीके से गोगो दीदी योजना लेकर जा रहे हैं या फिर हेमंत सरकार के कार्यकाल के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्या लगता है, क्या इसका असर होगा आने वाली? विपक्ष का काम है वो आरोप लगाना है, सत्ता पक्ष पर आरोप लगाती है और वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन विकास के मामले में जो हेमंत सोरेन सरकार के समय में जो विकास का काम हुआ है, जितना तारीफ किया जाए, चाहे वो कोरोना काल ही क्यों ना हो, इसके अलावे और भी बहुत सारी ऐसी चीजें वो करके दिखा दिया जो कि पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उस समय से अभी काफी अच्छा काम हुआ है। क्या लग रहा है सर, इस बार क्या देख पा रहे हैं लोहरदगा में, लोहरदगा की जनता आशीर्वाद देगी रामेश्वर उरांव को? देखिए, हमको लगता है इस बार फिर से हम लोग जनता हम लोगों को मौका देगी और फिर से हमें सोरेन की सरकार बनने की सब पूरी संभावना भी है। और अगर हम लोगों को बहुमत मिला तो निश्चित तौर पर फिर से हम लोग विकास की जो रफ्तार है और तेजी से बढ़ेगी। आप राज्यसभा सांसद बने, धीरज साहू का राजनीतिक करियर किधर देख रहे हैं, तो किधर देख रहे हैं? देखिए, हमारा अपना सोच है कि हम जनता के बीच रहना चाहते हैं और जनता की जो समस्या, हम नेता अपने आप को नहीं समझते हैं और हम जनता का जो समस्या होता है उसे दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। मेरा काम है जनता के बीच रहना और उनकी समस्याओं को सुनना। मैं और मेरा पूरा परिवार आज तक जनता का सेवा ही करता आया है और हम लोग चाहते हैं कि नेतागिरी नहीं करके यहाँ की जो समस्या है उसे दूर करने का। आगे भविष्य में धीरज साहू भी कहीं से चुनाव लड़ने की तैयारी में है? वो भविष्य की बात है, भविष्य में रहने दीजिए, समय आएगा आपको सब पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इस वक्त पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज साहू बात कर रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।